टीकरी बॉर्डर पर इस समय मैं मौजूद हूँ। हर तरफ कोई भी बॉर्डर हो, गाजीपुर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर नजर आ रहा था, उसी तरीके से सिंगू बॉर्डर पर भी कई कई सुरक्षा की लेयर बना दी गई है, वहीं टीकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा की लेयर जो है हर रोज आए तो बड़ी हुई मिलती है। सामने मंच है और मंच के बाद वो बैरिकेड्स है जो कि चल ही रहा था, 26 जनवरी के बाद उनको दोबारा लगाया गया। उसके बाद ये किले, ये आप किले देख रहे हैं, सरिये देख रहे हैं, लगभग एक एक फुट लंबे सरिये हैं और नुकीले, स्पेशल नुकीले किए हुए हैं आगे से, और उसके साथ साथ कई 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 किलों की लेयर है। ये तो अब तक चल रहा था। अब दूसरा एक और जो आज नई चीज नजर आ रही है मुझे, वो मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, पूरी दीवार खड़ी कर दी है, यानी कि जिस तरीके से लेंटरों में यूज किया जाता है जो मटेरियल कंक्रीट, उसके साथ ये पूरी दीवार खड़ी कर दी है। यहाँ पर अगर आके मैं कहूँ अपने कैमरामैन को यहाँ पर आकर दिखाएं, ये देखिए, ये पहले ये सरिये का दीवार बनाई गई, उसके बाद ये कंक्रीट का मटेरियल, सीमेंट का मटेरियल इसके अंदर भरा गया, यानी कि पूरी दीवार खड़ी कर दी है ताकि कुछ भी इधर से उधर ना जा सके। हालांकि माहौल ऐसा लग रहा है जैसे सुरक्षा कर्मियां और ये किले, इस तरीके की दीवारें, इन सबको देखकर माहौल जो लग रहा है, जिस तरीके से ये देखिए सुरक्षा कर्मी है, भारी तादाद में सुरक्षा कर्मी है, कि जैसे कोई युद्ध का माहौल हो, युद्ध होने वाला हो, इस तरीके का माहौल है। हालांकि ऐसी सुरक्षा अगर 26 जनवरी के आसपास, लाल किले के आसपास होती तो शायद लाल किले पे जो घटना देखने को मिली वो ना मिलती। लेकिन अब जो दिल्ली के इन तीन बॉर्डरों पे, गाजीपुर, सिंगापुर और टीकरी बॉर्डर पर, इन पर जो सुरक्षा की लेयर है, जो सुरक्षा कर्मी हैं, कई कई कंपनियां सुरक्षा कर्मियों की लग रही हैं, इनको देखकर बिल्कुल एक ये फील आ रहा है कि जैसे हम कहीं अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर खड़े हैं और कोई युद्ध से का माहौल है, कि कुछ युद्ध होने वाला है। वाकई हैरान कर देने वाली बात है कि हरियाणा और से दिल्ली में एंटर करने पर ही इस तरीके की इतनी तगड़ी सुरक्षा देखने को पहली बार, आज तक कभी नजर नहीं आई थी, पहली बार नजर आ रही है। कैमरामैन साहिल के साथ विनय सिंह, न्यूज 24, दिल्ली, टीकरी बॉर्डर।